हेलो दोस्तों, यहीं पे हमारे पास है स्प्लेंडर प्लस ओल्ड मॉडल और इसके इंजन में से इस साइड से कुछ नॉइज आ रहा है। आपको पहले तो दिखाता हूँ, फिर बाद में इसको करते हैं हम सॉल्व। भैया अभी इग्निशन को करते हैं ऑन और किक से स्टार्ट करते हैं हम। यहीं पे आप देख सकते हो कुछ टक टक करके नॉइज आ रहा है, आप देख सकते हो। यहीं पे थोड़ा सा रेस बढ़ाओ, अभी रेस कर रहे हैं तो अभी नहीं आ रहा है। तो अभी हम यहीं पे मैग्नेट साइड है, इसको पहले तो ओपन कर लेते हैं। अभी यहीं पे मैग्नेट को ओपन करना है हमें। मैग्नेट को ओपन करने के लिए इस टाइप से अटैक लगाना पड़ता है और 14 नंबर का नट रहता है इसमें, तो इस टाइप से पहले नट को ओपन कर लेना है हमें। और इसी टाइप से हमें मैग्नेट जो है वो बाहर निकल जाएगा, आप देख सकते हो यहीं पे। तो दोस्तों यहीं पे आप देख सकते हो जो मैग्नेट है, इसमें इसकी कोयल है वो मैग्नेट में टकरा रही है। इसका टक 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 करके नॉइज आ रहा था, आप देख सकते हो यहीं पे उसका निशान हो गया है, आप देख सकते हो। अब हम इसको क्या करेंगे, जो प्लेट है ऊपर ऐसी प्लेट रहती है, तो इसको प्लेट को हम निकाल देंगे और फिर मैग्नेट को ऐसे ही लगा देंगे। अगर आप चाहो तो नया मैग्नेट भी डाल सकते हो और इसी टाइप की जो ये प्लेट रहती है, इसको ऐसे ही पेचकेस की मदद से इसको उठा लेना है और बाहर निकाल लेना। आप देख सकते हो इसी टाइप से इसको बाहर खींच लेना है, ये आराम से बिल्कुल निकल जाएगी, उसको निकाल ही देना है। अगर आप चाहो तो प्लेयर की हेल्प से इसको दबा के भी सही कर सकते हो, बट इसको ऐसे ही निकाल लेना है। इसमें मैग्नेट जो है वो ऐसे ही रहेगा चिपका हुआ ही, सिर्फ उसकी प्लेट जो है उसको ही निकालना है हमें। जितनी प्लेट जो है वो टकरा रही है उसको हम निकाल देना है सबको। तो इसी टाइप से सबसे छोटा वाला पेचिया से ये जो प्लेट है इसको निकाल लेना है बाहर कुछ इसी टाइप से। अब यहीं पे आप देख सकते हो ये जो प्लेट है इसमें कहीं पे भी आपको निशान नहीं दिख रहा है, तो इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको इसी पे यहीं पे हल्का सा निशान है, तो इसको भी हमें निकाल लेना है। तो दोस्तों प्लेट को निकालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेट जो इसका है वो इसी में ही रहता है, तो प्लेट को निकालने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों यहीं पे आप देख सकते हो तीन प्लेट थी जिस जो कि कोयल में टकरा रही थी, इसको हमने निकाल दिया है। और एक प्लेट जो है इसमें कुछ भी निशान नहीं था, उसको हमने ऐसे ही रहने दिया है। अब इसको हम लगा लेते हैं और देखते हैं हमारा जो नॉइज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। अब इसको जैसे हम ओपन किया था वैसे ही लगाना है। यहीं पे फासरी उसकी रहती है, उसको बिठा देना है, आराम से लग जाएगा। दोस्तों फाइनली हमने मैग्नेट को लगा दिया है, अभी ऐसे ही हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो यहीं पे आप देख सकते हो कुछ पहले जब रेस नहीं देते थे तभी हल्का सा टिक टिक करके नॉइज आ रहा था, अभी आप देख सकते हो बिल्कुल नॉइज नहीं आ रहा है। इंजन जो है वो बिल्कुल फ्री चल रहा है, आप देख सकते हो यहीं पे। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है मैग्नेट में से नॉइज आ रहा है, तो आप इसी तरह मैग्नेट की प्लेट को निकाल सकते हो। और अगर आपको नया मैग्नेट डालना है तो भी डाल सकते हो, इसमें कोई इंजन का प्रॉब्लम नहीं होता है, इंजन को बनाना पड़ता है वो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये हल्का सा प्लेट जो है वो ही टकरा रहा होता है, उसको वैसा ही प्रॉब्लम होता है। पहले किस टाइप से आवाज़ आ रहा था और अभी आप देख सकते हो यहीं पे बिल्कुल फ्री चल रहा है इंजन हमारा।